नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। देश में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी गई है। लॉकडाउन का जो तीसरा चरण है वो 4 मई से उसकी शुरुआत होगी और 17 मई तक इसकी अवधि रहेगी। ऐसे में जब 2 हफ्तों का लॉकडाउन बढ़ाया गया है, लेकिन कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनको ग्रीन जोन में रखा गया है, कुछ ज़िले ऐसे हैं जिनको रेड जोन में रखा गया है। आज हम बात कर रहे हैं पटना की और बिहार में जो 5 रेड जोन डिक्लेयर किए गए हैं उन सभी जगहों की। पहले हम आपको बता दें, पटना समेत जो 4 और ज़िले हैं वह हैं मुंगेर, रोहतास, बक्सर और गया। इन 5 ज़िलों को, पटना को भी अगर हम मिला दें तो, इन 5 ज़िलों को रेड जोन में रखा गया है। कल केंद्र सरकार की तरफ से जब लॉकडाउन की अवधि को बढ़ाया गया था, उस वक्त ये बताया गया था कि देखिए, इन 5 ज़िलों की अगर हम बात करें, बक्सर की बात करें, गया की बात करें, रोहतास की बात करें, मुंगेर की बात करें, तो इन सभी जगहों पर सिवान फिलहाल ऑरेंज जोन में है, सिवान रेड जोन में नहीं है, आप जान लीजिए। इन 5 जगहों पर जैसे पहले जैसी स्थिति थी, सिनेमा घर बंद थे, पार्क्स बंद थे, स्कूल्स बंद थे, चिड़ियाघर हो सके, जितने सामाजिक हो, खेलकूद के कार्यक्रम हो, राजनीतिक कार्यक्रम हो, उन सभी पर पूरी तरीके से रोक है। आप कार्यक्रम नहीं कर सकते हैं और भीड़ इकट्ठी बिल्कुल नहीं हो सकती है। यदि जिला प्रशासन चाहे तो अपनी सुविधा के लिए धारा 144 भी लगा सकती है। ऐसे में आपको पूरी तरीके से सचेत रहना होगा। देखिए, अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार में 450 का आंकड़ा कब के पार कर चुका है, संख्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। 3 व्यक्तियों की अब तक बिहार में मौत भी हुई है और हम मानते हैं कि ज़्यादातर लोग ठीक भी हुए हैं। जो ग्राफिक जरिए आप इस वक्त तस्वीरें भी देख रहे होंगे, ऐसे में हम सभी लोगों को अब सतर्क रहना होगा, क्योंकि भले ही कुछ जो ग्रीन जोन वाले ज़िले हैं वहाँ पर कुछ छूट दी जाएगी, लेकिन आवश्यक सेवाओं को छोड़कर इन रेड जोन में कुछ भी चीज़ों की जो छूट है वो नहीं दी जा रही है। खास करके 10 साल से कम के बच्चे हों या फिर बुज़ुर्ग हों या फिर गर्भवती महिलाएं हों, उनको खास तौर पे इस वक्त ख्याल रखना है कि वो अपने घर में ही रहें। ऐसे में देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में जब लॉकडाउन खुलेगा, उस वक्त कई लोग ये अटकलें लगा रहे हैं कि हम घरों से निकल सकेंगे, लेकिन ये भी आप मान लीजिए कि चरणबद्ध तरीके से लॉकडाउन में छूट दी जाएगी। जैसे कि कई जगहों पर जो ऑरेंज जोन है या ग्रीन जोन है, वहाँ पर टैक्सी चलाने की छूट दी गई है, लेकिन उसमें भी आप सिर्फ 1 पैसेंजर को ही बैठा सकते हैं। यदि आप 2 पहिया वाहन से निकलते हैं तो सिर्फ 1 व्यक्ति ही 2 पहिया वाहन से सवार होकर निकल सकते हैं, निजी वाहन से। यदि आप 4 पहिया वाहन का इस्तेमाल कर रहे हैं, निजी वाहन है, तो उसमें ड्राइवर के साथ 2 व्यक्ति और, यानी कि कुल मिलाकर गाड़ी में सिर्फ 3 व्यक्ति ही रहना चाहिए, तभी आपको सड़कों पर चलने की छूट दी जाएगी, अन्यथा आप पर कार्रवाई हो सकती है। हम ऐसे वक्त की बात कर रहे हैं जब आप अगर डेटाज को देखें, संक्रमित मरीजों की संख्या को देखें, तो 31 मार्च को देश में 1397 थी संक्रमित मरीजों की संख्या, पूरे देश की बात कर रहे हैं। वहीं संक्रमित मरीजों की संख्या अब जब 2 मई आ चुका है, तो इस वक्त लगभग 35,000 तक संक्रमित मरीजों की जो आंकड़ा है वो पहुंचने वाला है। देश में 1,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। हाँ, 8,500 से अधिक लोग ठीक भी हो चुके हैं। तो ऐसे में अब हमें थोड़ा सचेत रहना होगा। इन 5 ज़िलों के लोग, खास करके पटना, मुंगेर, रोहतास, बक्सर और गया, इन 5 ज़िलों के लोगों को ज़्यादा सचेत रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर अभी भी रेड जोन है, छूट बिल्कुल नहीं मिले हैं। खास करके राजधानी पटना की अगर हम बात करें तो खाजपुरा इलाके में जिस तरीके से अचानक संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी थी, फिर पटना के मीठापुर से खबरें निकल के आई, सुल्तानगंज से खबरें निकल के आई, तो ये चेन धीरे धीरे बढ़ने लगा। ऐसे में नौबतपुर भी अगर हम देखें तो उधर भी 2 साल की एक बच्ची को संक्रमण ने जकड़ लिया। तो आप इस वक्त बिल्कुल भी घरों से निकलें, ये ना समझें कि लॉकडाउन में छूट मिली है, सिर्फ जो आवश्यक सेवाएं हैं उन्हें ही काम करने की इजाज़त दी गई है। और अगर हम ग्रीन जोन की बात करें तो जो ग्रीन जोन में अन्य जो सुविधाएं मिले हुए हैं उसमें से भी कई सारी पाबंदियां हैं, कई सारी चीज़ों को ध्यान रखना है। सोशल डिस्टेंसिंग का तो बिल्कुल ख्याल रखना है। ये मत समझिए कि स्कूल, पार्क्स, कॉलेजेस, मॉल्स, सिनेमाघर ये सभी ग्रीन जोन में खुल सकेंगे, नहीं, ये सभी पूर्ण तरीके से बंद है, चाहे किस भी जोन के वो ज़िले की अगर हम बात करें। तो ऐसे में आपको सचेत रहना है, खास करके बिहार के इन 5 ज़िलों के लोग ज़्यादा सचेत रहें। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।